डिफरेंशियल इक्वेशन हेलो ऑल गुड मॉर्निंग सो थोड़ा लेट हो गया आज सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड द वर्ड न्यूमेरिकल्स वर्ड प्रॉब्लम्स सो लेट्स कंटिन्यू दैट टॉपिक अगेन क्वेश्चन नंबर थ्री तो हो गया था ना शायद हाँ ऑन टाइम मैंने तुमको बता दिया था उसको करना कैसे है राइट है बेटा चलो क्वेश्चन फोर की तरफ चलेंगे फिर क्वेश्चन फोर नाउ फॉर्म द डिफरेंशियल फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हुज एक्सिस इज द एक्स एक्सिस हुज एक्सिस इज द एक्स एक्सिस चलो ये पार्ट है बेटा इसको कंप्लीट करेंगे हम और इसमें दिया क्या है ये देखो पहले समझ लो हेलो एवरीवन फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास तो सबसे पहले पैराबोला पता होना उसमें क्या क्या कंडीशन आती है इक्वेशन कैसे आता है ये हमको पता होना चाहिए तो अगर मैं एक पैराबोला ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं और देखो कंडीशन में पैराबोला कैसे दिया है हमारे पास तो एक्चुअल में फोर टाइप्स के बेसिक पैराबोले के इक्वेशन है वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ओके वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स ये फॉर्म था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर बी वाई या ए वाई बोल सकते हैं उसको तो चलो ये फॉर्म था मेरे पास तो अगर मुझे कंडीशन के लिए कौन सा पैराबोला ड्रॉ करने के दिया है पहले वो समझ लो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज ओके ऑल पैराबोलाज बट कैसे है सभी पैराबोलाज कैसे है हुज एक्सिस इज द एक्स एक्सिस और यहां पे जब भी एक्सिस ऐसा डिनोट करके रहते हैं ना बेटा जब भी ये एक्सिस वर्ड आएगा इसका मतलब ये मेजर एक्सिस से डिनोट होगा क्योंकि देखो पैराबोला में एक्सिस का प्रॉब्लम नहीं है वो अगर इलिप्स में आता है तो हमको दो बार लिखना पड़ेगा कि ये मेजर है कि माइनर है तो ये इसलिए एक्सिस देके रखा है यहां पे सिर्फ तो मुझे एक्सिस इज द एक्स एक्सिस बोला है तो एक्सिस इज एक्स एक्सिस तो ये हो गया एक्स ये हो गया वाई एक्स एक्सिस मतलब मेरा पैराबोला कैसे बनने वाला है सो इट शुड बी लाइक दिस ओके ये ऐसा पैराबोला बनेगा मुझे तो इसके लिए इक्वेशन पता है मुझे क्या होगा इसके लिए ऐसा अगर मैं निकालता हूं तो इक्वेशन क्या बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स दैट्स करेक्ट ये तो रेगुलर पैराबोला है बट उसने क्या कहा है उसको समझना पड़ेगा ऑल पैराबोलास कहा है इसका मतलब ये पैराबोला नहीं होता गेट इट क्लियर कि उसने ऑल पैराबोलास के लिए कंडीशन रखा है ओके ऑल पैराबोलास के लिए कंडीशन रखा है तो पैराबोला ये चेंज कैसे होगा समझ रही है पैराबोला कैसे कैसे चेंज होगा तो मुझे क्या रखना है ये क्या है बेटा ये जो मैं यहां पे ये पॉइंट रखा सो व्हाट इट इज इसको क्या कहेंगे हम ये है मेरा वर्टेक्स इज इट ओके ये क्या है वर्टेक्स है और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या रहते वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट किस वैल्यू से रिप्रेजेंट करते सो दैट इज नथिंग बट एच कॉमा के राइट है दैट इज नथिंग बट एच कॉमा के हेलो विराज तो देखो ये एच कॉमा के है ना ये इस कंडीशन के लिए क्या है ये मेरे बेसिक कंडीशन के लिए एच और के का वैल्यू है कितना सो दैट इज वेरी क्लियर इट इज व्हाट 0.0 क्योंकि ये ओरिजिन पे है राइट है ना बेटा ये ओरिजिन पे है इसका मतलब ये 0.0 रहेंगे एच और के की वैल्यू मुझे मिल गई तो ये जो इक्वेशन है ये है वर्टेक्स ये जो इक्वेशन बनता है ये बनता है वर्टेक्स एट ओरिजिन के लिए समझ रहे ना ये बनता है वर्टेक्स एट ओरिजिन के लिए और उसने हमको वर्टेक्स एट ओरिजिन गिवन नहीं दिया उसने हमको कंडीशन गिवन दिया कि ऑल पैराबोलास हुज एक्सिस इज द एक्स एक्सिस के लिए दिया इसका मतलब मुझे इसको आगे कैसे बढ़ाना है ये पैराबोला ओरिजिन पे है तो एच कॉमा के लिखूंगा यही पैराबोला और आगे जाता है तुम्हारा तो देखो कैसे बनेगा अब तो चेंज हो जाएगा वर्टेक्स का वैल्यू अब यहां पे वर्टेक्स क्या रहेगा बेटा सो दैट इज नथिंग बट एच कॉमा के मैं इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं तो ये एक्स एक्सिस ही है ना ये तो एक्स एक्सिस है और ये सभी पैराबोला के लिए इक्वेशन हमको कैलकुलेट करना है इन सभी इसके लिए मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन को कैलकुलेट करना है तो ये हर बार एच कॉमा के ये एच कॉमा के की वैल्यू आ जाएंगी
करेक्ट। अब फिर ये तो हो गया, अगर मैंने इसको माना कि ये मेरे सभी एच कॉमा के की वैल्यू है, ये क्या है, वर्टेक्स एट एच कॉमा के। ओके, ये जो इक्वेशन बनेगा ये किसके लिए बनेगा, वर्टेक्स एट ओरिजिन नहीं, ये बनेगा एच कॉमा के लिए। अब एच क्या रहेगा, एच क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट का वैल्यू, और के कोऑर्डिनेट का वैल्यू, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा बेटा, एच, और के का वैल्यू क्या मिलने वाला है, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू रहेगा ना, ये एक्स कॉमा, ये एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू और ये वाई कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू बनेगा। अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है, इसको समझना पड़ेगा, करेक्ट, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट, समझो कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, ये लास्ट वाला पैराबोला के लिए मैं कैलकुलेट करता हूं, ओके, इसके लिए मैं कैलकुलेट करके देखता हूं, तो इस पॉइंट के लिए, इसके लिए एच का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, एच इज इक्वल टू हाउ मच, एच मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू मिलेंगी ना, यहां पे एक्स का वैल्यू तो मिलेगा, तो चलो एच इज इक्वल टू एच ही मानना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वैल्यू तो नहीं है बट वैल्यू मिलेगा, ओके, वैल्यू नहीं है बट वैल्यू मिलेगा मुझे, ये यहां से यहां तक अगर मैं डिस्टेंस को कैलकुलेट करता हूं तो मुझे ये वैल्यू मिलना है, तो एच का वैल्यू एच हो गया। अब यही पे तुम्हारे वाई के कोऑर्डिनेट्स कितने रहेंगे, इस पॉइंट पे वाई के कोऑर्डिनेट्स कितना रहेगा, सो दैट इज जीरो, क्योंकि ऑन द एक्स एक्सिस बना रहे हो तुम लोग, ओके, ऑन द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट जीरो, मतलब ये जो इक्वेशन बनेगा इसमें एक्स एक्सिस एच कितना बनेगा, तो एच ही बनेगा और के का वैल्यू बन जाएगा जीरो, किसके लिए, इस ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस इज द एक्स एक्सिस के लिए एच कॉमा के का वैल्यू बनेगा एच कॉमा जीरो। अब इसके लिए सबसे पहले तुमको इक्वेशन पता होना कि ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स कैसे बनता है, और मेरे ख्याल से कि ये मैंने तुमको एक बार बताया था कोई न्यूमेरिकल में, स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे बन रहा था बेटा, वाई माइनस के, है ना, y माइनस के, यहां पे y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x माइनस एच, ये इतना ही रहता है। देखो यहां से मैंने तुमको ये भी बताया था कि यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिलना चाहिए तुम्हारा, ये सोच के चलो कि स्क्वायर कहां रखेंगे और स्क्वायर कहां नहीं रखेंगे, तो यहां पे पहले वैल्यू में y स्क्वायर दिखता है तो ये होल ब्रैकेट स्क्वायर बन जाएगा, और यहां पे x माइनस एच का स्क्वायर नहीं बनेगा क्योंकि यहां पे स्क्वायर नहीं रहता स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट। अब मैं, ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, चलो यहां तक थोड़ा सा क्लियर हो गया क्या, बताओ जल्दी से, अगर ये क्लियर होता है ना तो फिर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इक्वेशन आ गया, एच और के की वैल्यू भी आ गई, इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, डिफरेंशिएट करेंगे और खत्म करेंगे, बाद में कुछ नहीं है क्वेश्चन, समझ रहे ना, ये अगर इतना कंडीशन तुमको समझ में आ गया बेटा तो इसके बाद रिजोल्व करना बहुत आसान है। और एक बार फिर से मैं रिवाइज करके देता हूं, देखो हमारे लिए कंडीशन दिया है ऑल पैराबोलाज, सभी पैराबोलाज बनने वाले हैं, नंबर ऑफ पैराबोलाज का कंडीशन है, और कंडीशन क्या है, एक्सिस इज द एक्स एक्सिस, ओके, एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, मतलब ऐसे नंबर ऑफ पैराबोलाज के लिए एक बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे फॉर्म करना है। अगर इतना तुमको समझ में आ गया है तो ठीक है, सो इफ एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग देन यू कैन पोस्ट राइट नाउ, इफ नॉट देन वी कैन कंटिन्यू अगेन, सो पोस्ट इट बेटा अगर कुछ है तो। इक्वेशन ध्यान में आ गया तुम्हारे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है मेरे पास, अगर इक्वेशन क्लियर हो गया है तो फिर इसको रिजोल्व करना स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ नहीं है। चलो ठीक है बेटा, गॉट योर रिप्लाइज, थैंक यू, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। अब मेरा पहला इक्वेशन तो बन जाएगा, ओके, तो देखो ये इतना जो मैंने किया ना रफली, इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे अभी, ये तो ठीक है, डायग्राम रफ में रखो तुम्हारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं इसका, ओके। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये पार्ट थोड़ा सा निकाल लेता हूं और प्रॉपर नोट करेंगे अब हम कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या रहेगा, उसको नोट कर लेते हैं। सो हियर इक्वेशन ऑफ, यही जो गिवन है ना उसी को नोट कर रहा हूं मैं, ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस इज द एक्स एक्सिस, ओके, ये क्या रहेगा, ये अभी हमने डिजाइन करके देखा था बेटा, सो दैट इज एक्स एक्सिस, सो क्या बनता है, ये लिखा था हमने अभी वाई ना, हाँ, वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x, हाँ, एक्स माइनस एच बन रहा था ना, ओके ओके, तो ये बन रहा था मेरे पास y
माइनस के होल स्क्वायर बराबर है 4ax माइनस एच का फॉर्म बना था ये। अब मैं मेरी वैल्यूज को पुट करूंगा बेटा, क्योंकि इस पॉइंट के लिए हमने चेक करके देखा था कि ये h इज इक्वल टू h बना और k का वैल्यू 0 बन गया। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा मेरे स्टैंडर्ड इक्वेशन में, सो देयर फोर y माइनस k, k का वैल्यू क्या है 0 है, सो ये y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h ही बनेगा, राइट x माइनस h की ही वैल्यू आएंगी तुम्हारे पास। सो देयर फोर तो ये बन जाएंगे, देखो y माइनस 0 y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x माइनस h ये आ गया, सो दैट इज योर इक्वेशन 1। अब तुमको पता है जैसे इक्वेशन 1 बन गया तो काम तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि मुझे करना क्या पड़ेगा, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ढूंढना पड़ेगा, सो a एंड h आर आर्बिट्री कांस्टेंट। चलो कंटिन्यू करेंगे इसी को सेम फॉर्म में, सो हियर a एंड h आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स, ओके अगर ये कांस्टेंट मिल जाते तो मैं इसको डिफरेंशिएट भी करता हूं, सो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो वाई स्क्वायर बन गया 2y dy by dx इज इक्वल टू 4a, तो कांस्टेंट ही रहेंगे बेटा, डेरिवेटिव को बाहर निकल जाएगा और मुझे इन दोनों का डेरिवेटिव करना है, x का डेरिवेटिव 1 माइनस h का डेरिवेटिव 0 ये आ गया, सो देयरफॉर 2y dy by dx is equal to 1 minus 0 1 और ये 4a as it is आएगा and that's your equation 2। काम तो नहीं है इक्वेशन नोट करने का, बट जो हमारा फॉलो करने का पैटर्न है उसी को कांस्टेंट रखेंगे हम, काम में आए कहीं पे लिखना या ना आए, ओके तो देखो क्या आ गया 2y dy by dx is equal to 4a, देखो h तो रिमूव हो गया मेरा, राइट अब रिमूव क्या होना बाकी है a, और हमने इसके पहले डिस्कस भी किया था कि अगर मेरे इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हो सकता है मैक्सिमम टाइम मुझे उसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़े उसको रिमूव करने के लिए, सो हियर ओनली ए आर्बिट्री कांस्टेंट रिमेनिंग, सो अगेन यू कैन डिफरेंशिएट इट, ओके तो यही पे मैं डिफरेंशिएट करता हूं, सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बनेगा देखो ये 2y dy by dx है बेटा, अभी 2y dy by dx है, मतलब इसको तुमको क्या करना है केंद्र रूल लगाना पड़ेगा, राइट है ना, क्योंकि ये तो हो गया इसका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, a डिफरेंशिएट करेंगे पूरा कांस्टेंट 0 बन जाएगा, यहां पे जो है ना ये 2y dy by dx इसको मुझे क्या करना पड़ेगा चेन रूल। अच्छा हाँ देखो ये 2 और 4 है, हमने इसके पहले लेक्चर में किया था, इसको कट किया था सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन में पूरा, सो देयरफॉर ये थोड़ा सा रिजॉल्व होगा, y dy by dx इज इक्वल टू 2a बन गया बेटा, देखो है ना, तो ये इक्वेशन 2 को यहां रख देंगे हम लोग, हो रहा है ना सॉल्व, एक स्टेप कम होगी ना हमारी, 2 वो आएगा ना इसके बाद रिपीट, तो क्योंकि अब मुझे क्या है सिर्फ y डिवाइड बाय dx को डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन y सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, चेन रूल लगा रहा मैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूं, सो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड d2y by dx स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन dy by dx डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, y का डेरिवेटिव dy by dx और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 बन गया, ओके देयरफॉर क्वेश्चन हो गया सॉल्व, लास्ट स्टेप में y d2y by dx square plus dy by dx 2 times है तो उसका स्क्वायर बन जाएगा dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया आंसर y d2y by dx square plus dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जस्ट नोट इट, सबसे लास्ट में एक पॉइंट नोट करके रखेंगे हम, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चेतन हो गया बेटा, ओके गुड वन, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, सो क्वेश्चन 5 नाउ, हो गया स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, चलो बहुत सारे रिप्लाई तो आ गए यार, प्रसाद निखिल रुद्रानी चेतन डन, ओके नेक्स्ट नाउ, फिर से और एक पैराबोला का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा हम, तो ये देखो कैसे समझना कैसे हमको, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है वर्ड प्रॉब्लम में कि इक्वेशन को क्रिएट करना है, राइट है ना बेटा, क्योंकि देखो इक्वेशन बन गया ना उसके बाद बहुत आसानी से स्टेप सॉल्व हो जाएगी, कोई क्वेश्चन ही ऐसे रहेंगे, एक दो क्वेश्चन रहेंगे टिपिकल, क्योंकि अगर 3 या 4 मार्क्स के लिए तुमको पूछते हैं ना ये, तो फिर हो सकता है उसका लेवल थोड़ा सा अलग रहे, अदरवाइज रेगुलर में तो नहीं आएगा ये प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट वन नाउ,
फोर्थ कंप्लीटेड. क्वेश्चन फाइव ना, क्वेश्चन फाइव, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास. Having length of lattice rectum 4a and axis is parallel to the x axis. चेंज तो कुछ भी नहीं दिखा, नहीं पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना. फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हैविंग लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a एंड एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. चलो ओके, चलो वेदांग विल कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन नाउ. तो अ बिट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिर्फ कंडीशन उसने और एक बढ़ा के दे दिया हमको. पहले कंडीशन को समझते हैं. ओके देखो इसको पढ़ेंगे हम साथ साथ. फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास, फिर से एक ही पैराबोला का इक्वेशन नहीं है बेटा, एक ही पैराबोला नहीं है, तो नंबर ऑफ पैराबोला बनेंगे और कैसे बनेंगे उसको समझते हैं. ऑल पैराबोलास हैविंग लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में बनता है, हमको पता है. ये सिर्फ घुमाने के लिए दिया है तुमको, क्योंकि हर बार ये क्या रहता है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 4a ही रहता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं. गिवन दिया भी तो भी प्रॉब्लम नहीं, नहीं भी दिया तो ये समझने की बात है कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 4a ही रहेगा. देन एंड एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये पार्ट है. अब कैसे दिया कि इसके पहले क्वेश्चन में क्या दिया था हमको, सिर्फ एक्स एक्सिस दिया था ना. हाँ, हुज एक्सिस इज द एक्स एक्सिस नोट करके दिया है तुमको, राइट है. तो देखो दोनों चीजों में चेंज कैसे बनेगा, पहले इस कंडीशन में देखो, मैं फोर्स कंडीशन इसके पहले वाले क्वेश्चन को नोट करके दे रहा हूं, उसको ड्रॉ करके देखेंगे. उसने दिया था कि इसका एक्सिस कितना है, तो एक्सिस है एक्स एक्सिस. ओके, उसने दिया था एक्सिस कितना है पैराबोला का, वो एक्स एक्सिस पे है, मतलब वर्टेक्स इज एट एक्स एक्सिस हो गया ना बेटा. इसका मतलब क्या हुआ, वर्टेक्स इज एट एक्स एक्सिस. अब ये जो सेकंड, मतलब ये जो कंडीशन है, इसमें क्या दिया है उसने, वो बोल रहा है कि लैटिस रेक्टम तो चलो ठीक है, उसको डिस्कस ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट 4a रहने वाला है. ऑल पैराबोला का इक्वेशन फाइंड आउट करना है कैसे, कि एक्सिस जो है ना, इसका एक्सिस कहां पे है. सो एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, गॉट इट, कि वो जो एक्सिस बनने वाला है पैराबोला का, वो एक्स एक्सिस पे नहीं है. तो ये वर्टेक्स इज नॉट ऑन एक्स एक्सिस. यहां पे वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे है, यहां पे वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे नहीं है, वो क्लियरली मेंशन करके दिया उसने और बताया कि एक्स एक्सिस पे तो है बट पैरेलल एक्स एक्सिस पे है. ओके, दैट इज विद द पैरेलल एक्स एक्सिस, वर्टेक्स कहां पे है, सो दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. मतलब अगर मैं इस एक्स एक्सिस को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, ये एक्स एक्सिस हो गया, मैंने क्या किया, इसको पैरेलल एक्स एक्सिस को एक लाइन ड्रॉ किया और ये लाइन है तुम्हारा एक्सिस ऑफ वेरी गुड वाला पैराबोला. चलो ये ऐसा बन गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला बनेगा. तो कहां पे है ये पैराबोला का एक्सिस, कहां पे है, सो दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. अब देखो क्लियर हो गया. सो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हैविंग लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a एंड एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्सिस. सो ये जो एक्सिस है ना, इसका मतलब हो गया एक्सिस ऑफ पैराबोला, राइट. सो एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हो गया. अब मुझे क्या करना है बेटा, फिर से यहां पे कंडीशन आएगी कि ऑल पैराबोलास दिया उसने, ये आ गया ऑल पैराबोलास, मतलब एक ही पैराबोला तो नहीं है, तो मुझे नंबर ऑफ पैराबोलास को ड्रॉ करना पड़ेगा. बट पैराबोला आएगा कहां पे, तो यहां पे, ये ऐसा, ये बन गया उसका वर्टेक्स, ये बन गया उसका वर्टेक्स, ये बन गया उसका वर्टेक्स, ये ऐसा. यहां पे भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, पूरे एक्सिस पे कहीं पे भी हो सकता. सो इट मे बी ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस, not x-axis, on y-axis, parallel to x-axis बोलेंगे उसको, okay? तो ये ऐसे पार्ट आने वाला है तुम्हारा. अब देखो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट को मैं लेता हूँ, कोई भी एक वर्टेक्स को लेता हूँ, मैंने ये मान लिया, तो let that required vertex be this one,
ओके ये अगर मेरा वर्टेक्स है तो इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या बनेगी, सो दैट इज क्लियर, कितना बनेगा बेटा एच कॉमा के, एच कॉमा के हो गया। क्योंकि अब कैसे हो गया प्रॉब्लम, कहां शुरू हुआ आप, क्योंकि मेरे पहले इसमें क्या हो गया था कि जब मैंने लिखा था y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h, पहले एक वैल्यू जीरो बन गई थी क्योंकि वो x एक्सिस पे था, तो y की वैल्यू जीरो बनी। अब यहां पे अगर मैं चेक करूंगा ना तो तुमको x की वैल्यू भी मिलेगी और y कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू मिलेगी, और वो कितना मिलेगा, दोनों वैल्यू कितना मिलेगा एज इट इज, h और k दोनों वैल्यू मिलेंगी, दोनों वैल्यू मिलेंगी यहां पे। ओके चलो इसको बनाएंगे फिर से हम, तो ये फॉर्म तुम्हारे समझ में आ गया, ये मैं मान के चलता हूं अभी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, किसका एक्सिस है, वो पैराबोला का एक्सिस है, तो यहां पे आएगा, तो ये रफली ड्रॉ कर लो तुम्हारे इसमें, देन वी कैन कंटिन्यू विद द बेसिक इक्वेशन। ओके जो इसके पहले लिखा था हमने कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या रहेगा, सो दैट इज वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच का वैल्यू रहने वाला है, राइट बेटा। कंटिन्यू करेंगे फिर, कंटिन्यू करेंगे हम इक्वेशन से, ओके सो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखेंगे और फिर हमारे कंडीशन में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहां पे लिखता हूं मैं, वी नो दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, कौन सा इक्वेशन, जो बेसिक इक्वेशन है हमारा वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस एच। सो नाउ अब मैं क्या पुट करने वाला हूं, इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास, नाउ इक्वेशन, क्योंकि ये इसी के लिए मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करना है ना, तो इसको लिखेंगे, सो इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास, ओके ये लिख सकते हो हैविंग लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a एंड एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या लैटिस रेक्टम को स्किप किया तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। So, मैं तो स्किप करने वाली यहां पे, सो इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला विथ हैविंग एक्सिस, ये देखो हैविंग एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके हैविंग एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ओके सो नाउ इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हैविंग एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कितना बनेगा बेटा, अभी ये तो सेम एज इट इज आएंगे ना, इसमें तो चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि हमको पता है, अभी हमने चेक किया था कि अगर वो h, k के लिए है, यहाँ पे तो दोनों वैल्यू मिलने वाली है तुमको, ओके क्योंकि वो कैसे है ऑन x एक्सिस और ऑन y एक्सिस नहीं है, इसका मतलब एक भी वैल्यू जीरो बनेगी नहीं, तो हमने चेक किया था, तो वहां पे मुझे दिखा था क्लियर कि इसमें h, k दोनों वैल्यूज मिलेंगी, दोनों वैल्यू मिलेंगी तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन एज इट इज आएगा, सो देयरफॉर y माइनस k की वैल्यू भी आएंगी 4a एज इट इज और x माइनस h की भी वैल्यू आएंगी, तो ये इक्वेशन तुम्हारा एज इट इज बनेगा बेटा, यहां पे चेंज नहीं आएगा कोई। ऑलराइट नाउ ये क्या हो गया, इक्वेशन वन हो गया अब, ओके और मैं यहां पे अभी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को नोट करूंगा, हियर एच एंड के आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, अभी तक तो बहुत कुछ भारी ऐसा काम हुआ नहीं जितना चैप्टर खत्म हुआ वहां तक, सो एच एंड के आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, ये हो गया, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा बेटा, सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन गया, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये एक्स टू पावर एन है, लिखूंगा नहीं मैं डिफरेंशिएशन का फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ ये नहीं लिखने वाला हूं, सीधा इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा, देखो फर्स्ट वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स टू पावर एन बन गया, ये कितना आएगा 2y माइनस के इन टू, चलो अब लिख लेते लगे तो y माइनस के, ये चेंज रूल हुआ क्योंकि x रेस्ट पावर n लगाया और उसका डेरिवेटिव फिर से रिपीट किया इज इक्वल टू 4a तो कांस्टेंट ही है इन टू x का डेरिवेटिव 1 माइनस h का डेरिवेटिव 0, ये हो गया, सो अब कितना बन रहा है ये, देयरफॉर 2y माइनस के, और देखो डेरिवेटिव ऑफ y माइनस के की वैल्यू आ गई, सो डेरिवेटिव ऑफ y का डेरिवेटिव dy बाई dx और k का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है तो 0 बनेगा, सो y क्या किया मैंने, हाँ y का डेरिवेटिव हो गया, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, के का कांस्टेंट ये 0 बनेगा और इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1 और यहाँ पे 4a एज इट इज है वो तो है ही, ओके अब देखो यहाँ पे 2 और 4 है पूरा मल्टीप्लीकेशन बेटा में, तो इसको लिखेंगे हम y माइनस के
dy by dx is equal to 2a, ये 2 और ये 4, इसको कैंसिल किया, y माइनस के डिवाइड बाई dx 2a, इसको मान सकता हूं मैं इक्वेशन 2 अभी, तो ये सॉल्व करते हुए क्या हुआ, h रिमूव हो गया मेरा, ये अब बचा क्या है बेटा, सिर्फ k का वैल्यू, ओके एक आर्बिट्री कांस्टेंट बचा है, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फिर से, बट उसके पहले देखो कि हो सकता है ये सीधा सीधा कैंसिल ना हो, और होगा भी नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आने वाला है, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो ये एक बार रिपीट होने वाला है, ओके चलो इसको मैं यहाँ पे वाई माइनस के का वैल्यू अभी नोट नहीं करता हूं, पहले समझो कि ये क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके जैसे अभी यहीं पे कर लिया तो तुमको लगेगा अरे ये तो पता नहीं था फिर क्यों किया, तो पहले इसको समझते हैं कि अगर मैंने इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर लिया तो क्या आएगा सामने, सो मैं नोट करूंगा अगेन अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते फिर समझेंगे, तो ये देखो फर्स्ट फंक्शन है वाई माइनस के, ये तो क्लियर है ना कि इसको मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ही, क्योंकि y की टर्म है यहाँ पे भी y की टर्म है और वो प्रोडक्ट में है, तो मुझे u इंटू भी लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन में, फर्स्ट फंक्शन y माइनस के एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx, सो दैट इज डबल डेरिवेटिव हायर ऑर्डर में जाएगा, सो दैट इज सेकंड ऑर्डर में जाने वाला है d2y बाय dx स्क्वायर प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज dy बाई dx का फंक्शन एज इट इज रहेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ y माइनस के, ओके इनटू इनटू में चल रहा, तो यहां पे ब्रैकेट कर देता हूं मैं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ y माइनस के का डेरिवेटिव बेटा dy बाय dx माइनस कांस्टेंट आ रहा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू, यहां पे भी कांस्टेंट है 2a, सो कांस्टेंट 2a का डेरिवेटिव 0 अगेन, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया प्रोडक्ट रूल लगा के u इनटू v, ऑलराइट प्रोडक्ट रूल हो गया यहां पे इतना आ गया, अब इसको और थोड़ा सामने लेके जाएंगे ना तो क्या होगा देखो, देयरफॉर y माइनस के d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx इंटू dy बाय dx, दैट इज dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, करेक्ट, तो प्रॉब्लम कहां आ गया देखो, क्योंकि हमने सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया, तो अगर वो प्रोडक्ट रूल नहीं आता था तो खत्म हो जाता था y माइनस के का टर्म, तो यहां पे ऑलरेडी जो नहीं चाहिए आर्बिट्री कांस्टेंट को मुझे रिमूव करना था और वही आ रहा फिर से, तो ये तो नहीं चाहिए ना मुझे k, तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, तो मुझे क्या करना है ये y माइनस के का वैल्यू निकाल के उसको फिर से यूज करना पड़ेगा, तो y माइनस के मैं निकालूंगा कैसे, तो यहां से तो मेरा y माइनस के निकल जाता है यार, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर a में आएगा तो चलेगा, ये तो 0 हो गया, हाँ तो एक काम करेंगे देखो, ये जो इक्वेशन 2 है पहले मैं इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूं, ओके इक्वेशन 3 बोल देता हूं, और ये जो y माइनस के है अब ये वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं, बट यार a में आएगा ये इक्वेशन है ना, y माइनस के का वैल्यू यहां से निकल जाएगा अनडाउटफुली, बट अगर मैं इक्वेशन 3 में पुट करूंगा तो ये dy बाय dx 2a अपॉन dy बाय dx बनेगा, ठीक है निकाल के देखते पहले, देयरफॉर y माइनस के, अब देखो क्योंकि यही पे अगर मैं वैल्यू निकाल के भी रखता हूं, कहीं पे काम आता है तो यूज करो, नहीं आता है तो मत करो, मगर इन बिटवीन वैल्यू निकाल के रखते जाओ ऐसा वेरिएबल का, यानी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट वाला वैल्यू, तो ये y माइनस के कितना हो गया 2a, 2a अपॉन dy बाय dx, सो ब्रैकेट में मैं dy बाय dx लिखता हूं, ये हो गया, अब अगर ये y माइनस के मैंने इक्वेशन 3 में पुट किया तो इक्वेशन 1 में तो नहीं कर सकता हूं, क्योंकि kh पूरी वैल्यूज है इसमें, कोई स्कोप नहीं है, x माइनस h के लिए ऑप्शन नहीं, y माइनस के एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहां पे, तो मुझे यही पुट करना पड़ेगा, सो नाउ नाउ यूजिंग यूजिंग इक्वेशन 2, मैंने 2 ही लिखा इसको, ओके ये 2 से वैल्यू निकाला, ऐसे मैंने उसको लिखा कि यूजिंग इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 3 कैसे चेंज होगा, तो ये y माइनस के का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, y माइनस के कितना है ट्वाइस a अपॉन dy बाय dx, ओके 2a अपॉन dy बाय dx y माइनस k का वैल्यू हो गया इंटू d2y बाय dx स्क्वायर, राइट है बेटा, प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके अब देखो जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट किया था सबसे स्टार्टिंग में, ओके अरे तुम्हारा टाइम हो गया क्या,
नहीं ना रे, इतना टाइम तो बाकी है अभी। सोमेश क्या कर रहा है इधर, घूम रहा क्या? दूसरे क्लासेस में नहीं घूमना बेटा। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है तो मुझे फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं चलती, एक ही लाइन में पूरा प्रॉपर वैल्यू चाहिए मुझे, तो ये अपॉन में वैल्यूज मिलने वाली नहीं है तुमको, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये डिवाइड बाय डीएक्स को मैं क्या करूंगा, ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, दूसरी साइड तो जीरो ही है बेचारी, बाय डीवाई बाय डीएक्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय डीवाई बाय डीएक्स। अब यहां पे डीवाई बाय डीएक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2a, यहां पे d2y बाय डीएक्स स्क्वायर प्लस ये जो डीवाई बाय डीएक्स यहां पे मल्टीप्लाई होगा और एक टर्म बढ़ेगी ना यहां पे, तो ये स्क्वायर है, डीवाई बाय डीएक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये क्यूब हो जाएगा, तो यहां पे आएगा dy बाय डीएक्स का क्यूब इज इक्वल टू जीरो। अब देखो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट क्या माना था हमने, एच और के को, और ए जो है ना ये तुम्हारा, हाँ ये इसलिए दिया रे, अच्छा हुआ गया ध्यान में आ गया वो, उसने दिया लेंथ ऑफ लैटस रेक्ट मीन्स 4a जो है ना, तो ये तुम्हारा फिक्स्ड कांस्टेंट है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जितना सॉल्व के एकदम परफेक्ट है, मगर यहाँ पे ये जो a को रिमूव नहीं करना है ना, ये इसने यहाँ पे गिवन दिया था, a क्या है तुम्हारा फिक्स्ड कांस्टेंट है वो। ओके, ये चेंज नहीं होगा बोल रहा वो, मतलब कैसा है कि जितने भी पैराबोलास बनेंगे, नंबर ऑफ पैराबोला जितने भी बनेंगे वो फिक्स्ड साइज के बनेंगे, वो 4a ही रहने वाला है, वो 4a ही रहने वाला है। तो यहाँ पे ये a जो है ना ये आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, और हमने लिखा भी नहीं उसको, देखो हमने क्या लिखा था, h और k ये हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट है, और तुम्हारा काम क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना, नहीं कि फिक्स्ड कांस्टेंट को। ओके, रेगुलर कांस्टेंट को मुझे रिमूव नहीं करना है। तो अगर यहाँ पे दिखता है ना, ये यहाँ पे दिखता है कि ये dy by dx के साथ 2a की टर्म है, तो 2a को रिमूव करना कंपलसरी नहीं है। ओके, तो 2a को रिमूव करना नहीं है, उसके पीछे मतलब नहीं, तो सर अभी तक तो हम a को रिमूव कर रहे थे, है ना, कैपिटल a को रिमूव करने थे, तो ऐसा नहीं है बेटा, यहां पे नहीं करना है। ओ मैं कविन नहीं, गेट आउट, कुछ काम नहीं, इतना पढ़ेगा एक दिन में तो हैंग हो जाएगा तू, क्लास में बता अभी, रुक जा। सो क्वेश्चन इसके लिए चलेंगे, चलो ये क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, एंड दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ टाइम है तो मैं थोड़ा सा रुक, डिफरेंशियल इक्वेशन, सो दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पे 2a आया और वो आना भी चाहिए। ओके, उसको रिमूव करने के लिए नहीं जा रहे हम लोग, सिर्फ h और k को रिमूव करें, क्योंकि वो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ कंप्लीटेड, इतना देखेंगे ना एक दिन में सोमेश तू, तो मैथमेटिक्स छोड़ देगा फिर। ये क्या आ गया, पैराबोला कौन सा है, डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, बेटा लहान मनावरती परिणाम होऊन जाईल, इतका एका दिवशी नाही करायचं, जो पढ रहा वही पे रुका भी। ओके, नेक्स्ट नाउ, हेलो अर्पित, गुड मॉर्निंग। सो क्वेश्चन 5 कंप्लीटेड, क्वेश्चन 6, इसको थोड़े से टाइम लगते हैं यार, ये समझना है, क्योंकि हमको अगर सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट बता दिया ना तुमको तो जल्दी हो जाएगा एक्चुअल में। सो क्वेश्चन 6 नाउ, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग रेडियस 9 एंड हैविंग रेडियस 9 एंड सेंटर एट h कॉमा के। ओके, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग रेडियस 9 एंड सेंटर एट h कॉमा के। ऐसे तो बहुत सारे सर्कल बनेंगे यार, कंडीशन देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग रेडियस 9, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग रेडियस 9 एंड सेंटर एट h कॉमा के। चलो ठीक है, एट पॉइंट दिया उसने, एट पॉइंट h कॉमा के, तो ऐसे तो बहुत सारी कंडीशन बनेंगे रे, इसके लिए तो कोई नहीं, क्योंकि अभी एक्सिस का नहीं है, पैराबोला नहीं है, तो 9 रेडियस के
बहुत सारे अलग अलग सर्कल बन सकते हैं और उसका कोई रिलेशन नहीं, वो कहीं पे भी बन सकते हैं ना बेटा। तो ये भी सर्कल हो सकता है, रेडियस 9 ही दिया ना उसने सिर्फ, तो ये एक 9 रेडियस का सर्कल बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ हो सकता, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ओवरऑल इन बिटवीन क्वाड्रेंट में भी आएगा, यहाँ पे क्वाड्रेंट में आ सकता, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलो दिवाली की रंगोली बन गई, मैथमेटिकल। ओके देखो ऐसे सब कुछ फॉर्म बन सकती है, इसमें कोई कंडीशन ही नहीं हमारे पास, क्योंकि उसने दिया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स, सभी सर्कल्स है, एंड एक ही कंडीशन दिया बेटा कि उसका रेडियस 9। रेडियस 9 के लिए तो कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं, तो जो पॉइंट है ना तुम्हारे सर्कल का, सो इट मे बी ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और ऐसे कितने भी हो सकते हैं। ओके यहीं पे भी जा सकता है, ये यहां पे भी जा सकता, तो सर्कल का कोई रिलेशन ही नहीं दिया उसने, सिर्फ क्या दिया कि रेडियस 9 होना, तो इसलिए ये डायग्राम तो चलो मीनिंगलेस है, कोई नहीं किया ड्रॉ तो चलेगा। और रफली अगर तुमने देख भी लिया ना, इसको नोट करके रखा भी तो प्रॉब्लम नहीं, तो तुमको और क्लियर हो ही जाएगा वो कि ये एग्जैक्टली कैसे है। ओके चलो अब इसको आगे बढ़ाते कि मुझे क्या होना, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल लगेगा ना बेटा, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है किसी को तो पोस्ट करो, ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा था जिसका सेंटर h और k के फॉर्म में रहता था, तो ये तो है सेंटर h कॉमा k है, तो h कॉमा k मतलब ये कहां हो सकता है, h कॉमा k 0,0 हो सकता है, 1,2, -3,4, सो इट कैन बी एनीथिंग। अभी जो हमने देखा ना, इसका मतलब क्या था कि ये कहीं पे भी मेरे कोऑर्डिनेट पैटर्न में हो सकता है, इसके लिए कोई फिक्स्ड कंडीशन नहीं दिया उसने। ओके नाउ अब मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल हैविंग रेडियस 9 एंड सेंटर एट h कॉमा k। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल को नोट कर लो कि जिसका रेडियस है h कॉमा, सॉरी जिसका सेंटर है h कॉमा k। ओके सो वी नो दैट, लिख तो रहा हूं मैं, वी नो दैट, पता है कि नहीं पता नहीं मुझे, वी नो दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड, किसी ने पोस्ट किया क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल हैविंग सेंटर, ये पैराबोला से रिलेटेड है, देखो मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया तुम लोगों को, इट इज रिलेटेड विद द पैराबोला इक्वेशन, सो वी नो दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट पॉइंट h कॉमा k, की आसान है बेटा। अरे जा रहा इक्वेशन पूछा बराबर जा रहा तू, तो इक्वेशन आ गया, किसी ने तो पोस्ट नहीं किया अभी तक नहीं किया, चलो ठीक है नोट करके देते हैं, टाइम ने अपने पास, सो दैट इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, यही तो फॉर्म हमने पैराबोला में यूज किया था, y माइनस के होल स्क्वायर 4a और x माइनस एच रखा था, क्योंकि ये स्क्वायर में नहीं आता, आधा ही सर्कल बनता ना वो, समझो दूसरी साइड से कट हो जाता है वो पैराबोला, सर्कल के अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ किया, तो ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर is equal to r square and we are having the value radius is equal to 9. Okay, we are having value radius is equal to 9. तो इसको मैं rewrite करूँगा. So therefore our equation is what? So for radius, is equal to 9. For radius is equal to 9. So we get x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r 9 square. सॉरी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81. ओके चलो इसी को इक्वेशन 1 मानना पड़ेगा मुझे, इक्वेशन 1. और देखो यहां पे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स क्या है, सो दैट इज नथिंग बट अगेन h एंड k. ओके तो मैं लिखूंगा यहां पे हियर h एंड k आर आर्बिट्री, एच एंड के आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स आ गए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे. इक्वेशन 1 क्लियर हो गया बेटा, कुछ भी नहीं उसमें, सिर्फ आर का वैल्यू था जिसको मैंने पुट किया, और उसने ये भी क्या है कि सेंटर एट एच कॉमा के है, मतलब इसको मैं 0,0 इनिशियली नहीं ले सकता हूं. उसने अगर ये कहा रहता था कि सेंटर एट ओरिजिन, समझ लो डिफरेंस, सेंटर एट ओरिजिन मतलब ये क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बनता था, क्लियर, क्योंकि h भी 0, k
के भी जीरो, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगा जब वो ओरिजिन पे है। तो ये ओरिजिन पे नहीं है, या अगर होता भी है तो मुझे तो ओवरऑल के लिए कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ सर्कल्स के लिए, डिफरेंट सर्कल्स के लिए कैलकुलेट करना है ये पार्ट। तो मैंने लिखा हियर एच एंड के आर आर्बिट्री कांस्टेंट, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, अभी देखो थोड़ा सा भारी बन जाएंगे यार, क्योंकि दो दो इक्वेशन है अभी तो पूरा। तो x माइनस एच होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, ट्वाइस x माइनस एच इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस एच, पहले तो मैंने उसको चेन रूल लगाया, ये हो गया फर्स्ट, यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ट्वाइस y माइनस के इंटू डेरिवेटिव ऑफ y माइनस के इज इक्वल टू जीरो बनेगा ये, इज इट ओके, क्योंकि चेन रूल ही लगाना था। चलो ओके, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें अभी, अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, देखो ट्वाइस ऑफ, देयरफॉर ट्वाइस ऑफ x माइनस एच, और x माइनस एच का डेरिवेटिव चाहिए, अब x का डेरिवेटिव तो 1 बनेगा बेटा, 1 माइनस एच है, h मतलब कांस्टेंट 0, ये तो हो गया खत्म, प्लस ट्वाइस ऑफ y माइनस के इंटू, अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y माइनस के, y का डेरिवेटिव बनेगा dy वाई बाय डी एक्स, और माइनस कॉन्स्टेंट है तो 0 इज इक्वल टू 0 ही है, इसको लिख लेते हैं अब, देयरफॉर ट्वाइस ऑफ x माइनस एच, 1 माइनस 0 1, 1 इंटू एनीथिंग दैट इज द सेम टर्म, प्लस 2y माइनस के, 2y माइनस के dy बाई डी एक्स माइनस 0, ये तो dy बाई डी एक्स ही बनेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0 अगेन। अब देखो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 कॉमन निकाल सकता हूं मैं, कॉमन निकालूंगा और राइट साइड में शिफ्ट करूंगा, करेक्ट है ना, इसके पहले किया हमने, 2 को कॉमन निकालो राइट साइड में शिफ्ट करो तो इक्वेशन मिल जाएगा तुमको, सो देयरफॉर x माइनस एच प्लस y माइनस के डी वाई बाय, बस इतना आ रहा ना बेटा, यस x माइनस एच प्लस y माइनस के डी वाई बाय डी एक्स की टर्म आ रही मेरे पास इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया मेरा इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 2 जब भी आता ना तो मुझे यहां से कुछ ना कुछ तो काम में आता है यार, जनरली हमने देखा था इसके पहले भी कि या तो मुझे x माइनस एच का काम आएगा, x माइनस एच का कुछ काम हो सकता है, नहीं तो y माइनस के का, तो ये कौन बताएगा, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट किया करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि इसमें से मुझे वैल्यू कौन सी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो उसको बाद में निकालेंगे हम, समझ रहे ना, तो इसको बाद में निकालेंगे, तो ये तो कौन सी वैल्यू निकालना पड़ेगा बताए तुमको, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो फिर से देखो प्रोडक्ट रूल आ गया, प्रोडक्ट रूल आ गया मतलब ये पहली टर्म एज इट इज रहेंगी, तो y माइनस के का वैल्यू मुझे यहीं से निकाल के, इक्वेशन 2 से y माइनस के का वैल्यू निकाल के मुझे फिर से कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट करना पड़ सकता है। तो चलो इसको और कंटिन्यू करेंगे आगे थोड़ा सा, तो इसको तो डिफरेंशिएट कर लेते पहले, क्योंकि अभी भी एक भी वैल्यू तुम्हारी रिमूव नहीं हुआ, एक भी वैल्यू रिमूव नहीं हुआ, नहीं तो एक बार डिफरेंशिएशन के बाद में हमको एक वैल्यू रिमूव हो जाता आर्बिट्री कांस्टेंट का। सो हियर अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब क्या होगा, देखो एक्स का डेरिवेटिव है ये जो x है ना, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये खत्म हो गई टर्म, ऑलराइट, पहली टर्म खत्म हो गई। सेकंड इसमें मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि दो टर्म्स है वहां पे, ओके, दो टर्म है मतलब y माइनस के डीवाई बाई डी एक्स दोनों है, तो देखो फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन है डीवाई बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, वाई का डीवाई बाई डी एक्स और माइनस के का 0 इज इक्वल टू 0 ही है, इसको बनाएंगे 1 माइनस 0 1, अब ये प्लस y माइनस के एंड डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, है ना, दोनों टर्म सेम है, सिमिलर टर्म है, सो विल गेट स्क्वायरिंग हियर। अब देखो क्या आ गया, सिर्फ y माइनस के अननोन है बेटा, यहां पे इज इट, सिर्फ y माइनस के का वैल्यू अननोन है,
नहीं यार, ऊपर से y माइनस के निकालूंगा ना मैं, तो भी मेरा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे x माइनस एच आएगा। यहाँ पे देखो एक तो वैल्यू होगी, x माइनस एच निकल गया, बट y माइनस के का वैल्यू कहाँ से निकालूंगा मैं? यहां से अगर y माइनस के को निकालता हूं ना, तो वो एक y माइनस के तो रिमूव होगा, बट x माइनस एच आ जाएगा। हमको तो दोनों नहीं चाहिए। इक्वेशन वन तो दूर दूर तक ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसमें दोनों ही वैल्यू आएगी। अच्छा एक काम हो सकता, तुमको समझ में आ रहा न्यूमेरिकल कैसे आ गया, कौन सी लेवल पे आ गया अभी? क्योंकि मुझे दोनों वैल्यूज को रिमूव करना पड़ता है, एच और के को। जनरली क्या होता, एक इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद में एक वैल्यू हमारी रिमूव हो जाती, एक आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव होता, दूसरा नहीं होता तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते। अब प्रॉब्लम में कहां फंस गए हम, कि यहां पे y माइनस के एक ही वैल्यू तो आ गई, बट वो कब मिली? सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद। तो ये मैं यहां से अगर निकालता भी हूं कि इक्वेशन टू से मैंने y माइनस के का वैल्यू निकाला, मुझे निकालते आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये x माइनस h उधर भेज देंगे और डिवाइड x को डिवाइड कर देंगे हम लोग, क्लियर है, इतना हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट वो y माइनस के का वैल्यू फिर से इन द फॉर्म ऑफ x माइनस h आएगा ना, और वो नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि y माइनस के को निकालो x माइनस h आएगा, मतलब फिर से सेम, एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट रिमूव किया, दूसरा आर्बिट्री कॉन्स्टेंट फ्री में मिल गया, तो ये नहीं होना चाहिए। अब तो हम डिपेंडेंसी को यूज करेंगे, लाइक देखो इक्वेशन वन है अपने पास, तो अगर मैं क्या करता हूं, इक्वेशन टू में x माइनस एच है ना, इक्वेशन रूट नहीं ले सकता हूं यार मैं, रूट लिया तो फिर से हम ही प्रॉब्लम में आएंगे। अगर यहां से y माइनस के का वैल्यू देखा तो क्या आएगा, ये ऊपर का इक्वेशन तो सेम ही है। यहां से अगर मैं y माइनस के को निकालता हूं तो कितना बचेगा, देखो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस एच, एंड देयर फोर वाई माइनस के इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस एच अपॉन dy बाय डी एक्स। तो ये x माइनस एच में आ गया, फिर से x माइनस एच की वैल्यू लगेंगी, और x माइनस एच की वैल्यू मेरे पास नहीं है, डिपेंडेंसी को यूज करना पड़ेगा हमको कुछ ना कुछ तो करके, लाइक एक्स यहां से वाई माइनस के की वैल्यू निकालू क्या मैं, यहां से वाई माइनस के का वैल्यू निकल सकता क्या इक्वेशन वन से? यहां से y माइनस के का वैल्यू निकालेंगे या x माइनस एच का वैल्यू निकालेंगे? तो रूट में आएगा यार ये, है ना, रूट में आएगा तो और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे ना फालतू में। सो 81 माइनस y माइनस के का होल स्क्वायर, इसको तो रूट डालना पड़ेगा, ये होल स्क्वायर है तो सिर्फ x माइनस एच या सिर्फ y माइनस के की वैल्यू नहीं है मेरे पास। अच्छा डिफरेंशिएशन तो परफेक्ट हो गया ना अपना, फर्स्ट इक्वेशन था डिफरेंशिएट किया, सो दैट्स ओके। इक्वेशन टू मिल गया था, इसको चेन रूल लगाना ही पड़ा क्योंकि वाई माइनस के फॉर्म में है ये, और इक्वेशन मिल गया हमको डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर वाई माइनस के को रिमूव करने के लिए। अगेन डिफरेंशिएट नहीं ना रे,
और एक बार डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा यार हमको चेतन, मुझे इसी को रिजॉल्व करना पड़ेगा यार कुछ ना कुछ, ये तो होगा बट कैसे होगा उसको ढूंढना है। y माइनस के डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसको मान लिया मैंने यार, ये स्क्वायरिंग का प्रॉब्लम आ रहा अब थोड़ा सा, और डी आई डी एक्स का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालने से क्या मिलेगा। इसको अगर मैं y माइनस के डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर रखूंगा तो ये y उधर माइनस वन माइनस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर बन गया। ओके, यहां से y माइनस के की वैल्यू आ गई समझ, तो कितना आएगा, माइनस में कॉमन निकाल लेता हूं। ओके, माइनस को कॉमन निकाल लेते तो ये कितना बनेगा, वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, राइट एंड राइट, यहां से माइनस को कॉमन निकाल लिया, ये बना वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर है, और ये डी टू वाई बाई डी एक्स किसके नीचे आ जाएगा, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। हाँ, अब हो सकता है यार, अब मुझे क्या करना, देखिए ये वाई माइनस के का वैल्यू है मेरे पास। ओके, ये वाई माइनस के का वैल्यू है, और यही वैल्यू इक्वेशन टू में पुट किया तो यही वैल्यू इक्वेशन टू में पुट किया तो y माइनस के की एक वैल्यू है बट x माइनस h नहीं है वहां पे, है ना, और x माइनस h मुझे कहां से मिलेगा अब, x माइनस h वही से निकालना पड़ेगा। ओके, x माइनस h यही से निकालने की कोशिश करेंगे हम, देखो x माइनस h कितना होगा, माइनस माइनस y माइनस k और dy बाई डी एक्स। ओके, सो नाउ देखो इक्वेशन टू को लिख के देखता हूं, मुझे भी पता नहीं यार क्या होने वाला है। नाउ इक्वेशन टू इज, देखो इक्वेशन टू को क्या करने की सोच रहे हम, कि अगर इक्वेशन टू को लिखा मैंने x माइनस h, ये x माइनस एच है, x माइनस एच का वैल्यू कितना निकाला, माइनस ऑफ y माइनस के, माइनस ऑफ y माइनस के एंड dy बाई डी एक्स प्लस y हाँ y माइनस के, तो y माइनस के एज इट इज लिखता हूं मैं, y माइनस के एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब तो ये इक्वेशन एक्चुअल में हो तो गया यार कन्वर्ट, नहीं ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो सेम है ना, प्लस माइनस वन जीरो ही बनेगा ना वो ये तो जीरो बन जाएगा यार। कुछ तो गड़बड़ होगी, एक मिनट और देखना पड़ेगा उसको। y माइनस के का वैल्यू तो आ गया मेरे पास, अब मैं y माइनस के का वैल्यू कहां पुट करके देख सकता हूं, ये मुझे समझना है। अगर इक्वेशन वन की तरफ इसको रिवर्स लेके जाते हम तो y माइनस के का होल स्क्वायर मुझे मिल सकता है, बट उसमें फिर से x माइनस h का वैल्यू का प्रॉब्लम आएगा, तो ये x माइनस h होल स्क्वायर में उसको पुट कर सकता हूं। हाँ चलेगा, इक्वेशन वन को रीराइट करके देखते क्या। सो इक्वेशन वन को अगर देखेंगे तो क्या होगा, x माइनस h है ना, तो x माइनस h का होल स्क्वायर मतलब कितना आएगा, देखो माइनस निकल जाएगा वहां पे, x माइनस h का वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, माइनस y माइनस k इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये होल स्क्वायर है, और प्लस y माइनस k का वैल्यू है मेरे पास ये पूरा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये भी आएगा माइनस वन प्लस dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फर्स्ट इक्वेशन की तरफ है ना, इज इक्वल टू 81, इज इक्वल टू 81।
अब यहां पे ये जो y माइनस के है, ओ इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा यार। तो माइनस y माइनस के का होल स्क्वायर तो कितना बन गया, ये y माइनस के का होल स्क्वायर ही बना, और y माइनस के का होल स्क्वायर मतलब ये भी माइनस निकलेगा, वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर हो गया और ये dy बाई dx का भी स्क्वायर है, मतलब dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस साइन निकल गई स्क्वायरिंग की वजह से, तो इसको मैं लिख सकता हूं वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर अपॉन ये जो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर यहां पे भी आएगा इज इक्वल टू 81। बेस भी सेम है तो बेस को कॉमन निकाल के हम राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, और वन प्लस डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का टर्म है भी, तो ये पूरा रिपीट हो गया और एक्स्ट्रा डीवाई बाई डी एक्स है। नहीं यार ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बन रही है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बन रहे हैं। थर्ड ही इक्वेशन है माइनस वन माइनस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर वाई माइनस के का वैल्यू आ गया, अब ये वाई माइनस के का वैल्यू हमने इक्वेशन वन में पुट कर दिया तो x माइनस एच का वैल्यू आ गया अपने पास माइनस ऑफ y माइनस के डीवाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ y माइनस के डीवाई बाई डी एक्स, और y माइनस के का वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट किया यहाँ पे, तो ये y माइनस के का वैल्यू 1 प्लस डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन डी टू बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज अगेन करेक्ट, ये रूट निकल गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर एंड दिस इज अगेन स्क्वायर इज इक्वल टू यही 81 का वैल्यू मिल गया है ना, सो देयरफॉर यहां पे क्या बचता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ना इनटू ये बनेगा डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 इंटू ये जो डिनोमिनेटर का वैल्यू था ये मैं शिफ्ट करूंगा समझो, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ज्यादा ही स्क्वायर स्क्वायर में आ गई टर्म्स तो एक मिनट में अगर ये करेक्ट होता है ना तो एक मिनट में होगा, नहीं तो फिर एक बार हमको चेक करना पड़ेगा। ओके मैं बेटा ये टर्म को निकाल लूँ क्या, इसका काम नहीं ना अभी तुम्हारे लिए, नोट तो कर लिया होगा इसको तुमने, मैं बस एक लास्ट स्टेप में आंसर नोट करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये हो तो गया लग रहा है मुझे बट नॉट कन्फर्म, क्योंकि देखो यहाँ पे वन प्लस डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम टर्म है तो इसको अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कॉमन, तो ये वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर स्क्वायर
और क्या बचा है यहाँ पे फिर से, इसको अगर मैंने ले लिया कॉमन तो 1 प्लस डीवाई बाई डीएक्स का होल स्क्वायर बचा, 1 प्लस डीवाई बाई डीएक्स का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 81 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। रिमूव तो हो गया बट ये कॉम्प्लिकेशंस आ गए थोड़े से, बस ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा मुझे। रिमूव तो हो गया दोनों टर्म्स, देखो रिमूव तो बहुत जल्दी हो गए थे, वो एक्चुअली सब्सटीट्यूट करने के बाद रिमूव हो गए, बट कहीं एक हाथ पॉइंट मिस कर रहा है ऐसा लग रहा मुझे। ये 81 अगर नहीं लाते तो भी हो सकता क्या, अगर इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट करते हैं तो शायद, या 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं तो भी हो सकता। और x माइनस h क्या था मेरा, माइनस y माइनस k ना, ठीक है। एक काम करेंगे इसको और थोड़ा सा रिजोल्व करके देखेंगे बेटा हम, ओके कल इसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आंसर तो मैच नहीं होगा मे बी, क्योंकि ये इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए। इसमें से आर्बिट्री कांस्टेंट तो रिमूव हो गए, बट क्वेश्चन जो एक हाथ स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में दिखना चाहिए वैसे नहीं दिख रहा ये, तो इसको एक हाथ बार हमको इक्वेशन 2 के लिए भी सब्सटीट्यूट करके चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम कम है नहीं तो करके देख लेते थे। इक्वेशन 2 में भी हमने ये दोनों वैल्यू, अभी क्या किया हमने इक्वेशन 1 में रिराइट किया ना इसको, सो सेम वैल्यू हम इक्वेशन 2 के लिए चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर की वैल्यू नहीं है ना, तो वो ज्यादा आसान है यार, समझ रहे क्या। ये स्क्वायर स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई ना हमारी, ये स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर ये स्क्वायर, तो ये अगर इक्वेशन 2 के लिए लेके जाता हूं मैं तो नहीं आएगा। अच्छा इतना स्क्रीनशॉट ले लिया कि तुमने, पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, देन वील ट्राई टू कर ही लेंगे एक दो मिनट में, एक बार सेकंड में पुट करके देखते हम लोग, ओके इक्वेशन 2 में पुट करके देखते, क्योंकि x माइनस एच आ रहा है यार उसमें, तो y माइनस के की वैल्यू में सब्सटीट्यूट करके क्रॉस चेक तो कर ही सकता हूं, बस इतना पार्ट निकाल लेता मैं, जान दो अब तो गया ये। अब मुझे इक्वेशन 1 भी ध्यान नहीं कि क्या लिखा था, तो वो भी देखना पड़ेगा, वो काम में आया पुट करना तो क्या करेंगे नहीं बता। अगर मैं इसको इक्वेशन 2 के लिए लेके जाता हूं तो x माइनस एच था, x माइनस एच की वैल्यू मेरे पास माइनस ऑफ y माइनस के एंड इनटू dy / dx, ये होगी मेरी वैल्यू इक्वेशन 2 के लिए, है ना। इक्वेशन 2 के लिए x माइनस एच का वैल्यू मैंने, अरे नहीं ना घूम फिर के यही आ रहा है यार क्वेश्चन, एक्स माइनस एच वही से निकाल के मैं उसी में पुट नहीं कर सकता ना। नो 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 समथिंग इज मिसिंग, माइनस वाई माइनस के और डीवाई बाई डी एक्स की ही वैल्यू मैं उसी इक्वेशन से निकाल के सेम इक्वेशन में सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता हूँ, नॉट पॉसिबल। तो इक्वेशन 2 के लिए अगर करना है तो मुझे एक्स माइनस एच का वैल्यू और कहीं से तो भी निकालना पड़ेगा, तो वो हो सकता इक्वेशन 1 में तो स्क्वेयरिंग की टर्म्स थी, इक्वेशन 1 में स्क्वेयरिंग की टर्म्स थी, सो आई गेस दैट इज अगेन नॉट अ इजी पार्ट। ठीक है ये इतना रहने दो, इसको देखेंगे हम, ठीक है ये एक नोट करके रखते हैं हम पहले, कि अगर इतना सब कुछ रिजोल्व किया तो यहाँ तक हम आ गए थे, कल इसको एक बार चेक करके देखेंगे, इसको और रिजोल्व अगर होता है ना तो आसानी से करने की कोशिश करेंगे। हाँ चेतन आगे ना डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर सकते, ये होना तो चाहिए था यार चेतन, इतने इसमें ये सॉल्व हो जाना चाहिए था, तो कुछ तो ये है एक आध पॉइंट हम मिस कर रहे शायद, तो उसको चेक करके देखेंगे हम कल, क्योंकि ये दो बार डिफरेंशिएट होने से दो तो आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव होना ही चाहिए रे, थर्ड टाइम तो हमको डिफरेंशिएट करने का काम नहीं आना चाहिए। और तेरा इक्वेशन तो कौन सा था, थर्ड था ना, ये इक्वेशन आ रहा ना बेटा, तो देख इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाई माइनस के तो रिमूव होगा ही नहीं ना रे, समझ रहा क्या, क्योंकि ये y माइनस के है, इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ही y माइनस के तो ये u में तो हर बार आएंगे ही, वो रिमूव होगा ही नहीं डायरेक्टली, तो इसीलिए देखो वो वैल्यू निकाल के सब्सटीट्यूट ही करना पड़ेगा जगह पे,
ठीक है, और ज्यादा स्ट्रेच मत करो इसको, रहने दो, इसको कल करेंगे हम एक बार फिर से। ओके, तो अभी तो आज के लिए इतना रखते हैं हमारे पास कि नहीं, इतना रिजोल्व करके देखा हमने, बट ये मुझे नहीं लगता कि ये स्क्वायर 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 की टर्म आना चाहिए इतनी बार, ये तो होगा ही डेफिनेटली, ये और इसके बाद रिजोल्व होगा। सो डोंट वरी, विल ट्राई टू सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन ऑन टुमारो अगेन, एंड विल ट्राई टू सॉल्व मोर इजीली, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए सब्स्टिट्यूशन में, कहीं तो भी गड़बड़ होगी हमारी शायद, तो कल से स्टार्टिंग से इसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा नॉट मोर देन 5 मिनट्स, 5 मिनट में सॉल्व होना ही चाहिए ये क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर टुडे, विल ट्राई टू सॉल्व टुमारो। ओके, हैव गुड टाइम देन, बाय बाय।